नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। 30 हाथियों के झुंडने आले बुधवार में मचाया उत्पात, सुपारी व पान किसानों को हुआ भारी नुकसान। जलपाईगुड़ी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सिखाया गया आपदा प्रबंधन। कांग्रेस शासित ग्राम पंचायत प्रधान के घर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। नशीली पदार्थ से भरी एक ट्रक, ड्राइवर समेत दो गिरफ्तार। दुर्गा पूजा को लेकर मालदा में प्रशासनिक बैठक आयोजित। 30 हाथियों के झुंडने आले बुधवार में मचाया उत्पात, सुपारी व पान किसानों को हुआ भारी नुकसान। मादरिहार ब्लॉक के पूर्व खेरबाड़ी इलाके के निवासी जंगली हाथी के हमले से बेहद परेशान हैं। कल रात 30 हाथी का एक झुंड जल्लापारा जंगल से पूर्व खेरबाड़ी इलाके में प्रवेश किया। हाथियों के एक झुंड ने क्षेत्र के 3 निवासियों के कई सुपारी के पेड़ को तोड़ दिया। क्षेत्र में सुपारी की खेत करने वाले किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ। जंगली हाथियों के झुंड इलाके के निवासी गीता शर्मा, हेमलाल शर्मा और मोतीलाल उड़ाव के पान के पेड़ को भी तोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक इलाके में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का दल वापस जंगल में घुस गया। वन विभाग के प्रभावित लोगों को वन विभाग के नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। जलपाईगुड़ी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सिखाया गया आपदा प्रबंधन। जलपाईगुड़ी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मॉक ड्रिल के माध्यम से किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने का तरीका सिखाया गया। जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन या अभ्यास प्रशिक्षण कॉलेज प्रबंधन की पहल पर जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन के सहयोग से सिविल डिफेंस द्वारा आयोजित किया गया। इसमें उन्हें सिखाया जाता है कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में फंसने पर कैसे जीवित रहना है। उसी तरह उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि दूसरों को इस आपदा में कैसे सहयोग करना है। इस मॉक ड्रिल में शामिल होकर फ्रेशर्स काफी खुश हैं। कांग्रेस शासित ग्राम पंचायत प्रधान के घर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बदमाशों पर घर में घुसकर फर्नीचर तोड़ने व पैसे सोना लूटने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों के तृणमूल का संरक्षण प्राप्त होने की बात कही जा रही है। मालदा के चांचल थाना के जलालपुर गाँव में इस पूरी घटना को लेकर काफी तनाव है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने हमले के आरोपों से इनकार किया है। गौरतलब है कि 2 सप्ताह पहले मालदा के चांचल थाना के जलालपुर गांव में जमीन विवाद के कारण तृणमूल कार्यकर्ता शहीदुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस पर हत्या का आरोप है। मृतक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों के फहरिस्त में कांग्रेस शासित जलालपुर ग्राम पंचायत के मुखिया तफीजुल हक भी शामिल है। उसके बाद बीती रात तफीजुल हक के घर पर तृणमूल आश्रय प्राप्त बदमाशों ने धावा बोल दिया। तफीजुल हक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने सिर पर बंदूक रखकर घर में तोड़फोड़ की और घर में रखा सोना समेत सारा सामान लूट लिया। घटना के बाद चांचल थाना की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। हमले के बाद जलालपुर ग्राम पंचायत के कांग्रेस अध्यक्ष का परिवार दहशत में है। हालांकि जिला तृणमूल उपाध्यक्ष दुलाल सरकार का दावा है कि इस घटना में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं है। नशीली पदार्थ से भरी एक ट्रक, ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। गुप्त सूत्र के आधार पर पुलिस ने नशीली पदार्थों से भरी एक ट्रक जब्त किया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हुआ कि ट्रक आसाम से कुछ बिहार में घुसा और दिनहाटा जा रही थी। राज्य पुलिस की स्पेशल ट्रस्ट फोर्स ने कुछ बिहार के रेलवे गुमटी इलाके से ट्रक को जब्त कर लिया और तलाशी के बाद ट्रक के स्टेपनी टायर के अंदर से ब्राउन शुगर और अन्य दवाई बरामद की गयी। इस घटना में शामिल ट्रक ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि इस ड्रग तस्करी के घेरों में और कौन कौन जुड़ा है। दुर्गा पूजा को लेकर मालदा में प्रशासनिक बैठक आयोजित। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित हुई। ये बैठक मालदा जिला प्रशासन की पहल पर रतबाड़ी इलाके के मालदा कॉलेज सभागार में आयोजित की गयी। इंग्लिश बाजार व ओल्ड मालदा नगर पालिका क्षेत्र की दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी नितिन सिंधानिया, मालदा जिला परिषद अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष, इंग्लिश बाजार नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी, ओल्ड मालदा नगर पालिका अध्यक्ष कार्तिक घोष, मालदा मैंगो मचेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल साहा और अन्य उपस्थित थे। बैठक मूल रूप से दुर्गा पूजा के प्रशासनिक नियम कायदों को लेकर आयोजित की गई थी। मालदा मैंगो मचेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल साहा ने कहा कि यह प्रशासनिक बैठक दोनों नगर निगम क्षेत्रों के दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रत्येक दुर्गा पूजा मंडप में आगंतुकों की सुविधा के लिए निकास और एंटी गेट अग्निशमन प्रणाली, स्वयं सेवक प्रणाली सहित सभी प्रशासनिक नियमों पर विस्तार से चर्चा की गयी।